हेलो फ्रेंड्स, जेपी गर्ग ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट केस लॉज ऑन ऑडिटिंग। ऑडिट पर आज अपन 5 इम्पोर्टेंट केस लॉज पढ़ने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो स्टूडेंट राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये केस लॉज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी ऑडिट का एग्ज़ाम हुआ है, इन केस लॉज में से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। स्टूडेंट्स केवल केस का नाम याद करके चले जाते हैं, जबकि एग्जाम में मैटर अंदर का पूछा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉज है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। टोटल 5 केस लॉज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा पहला केस है रॉयल मॉल स्टीम पॉकेट कंपनी। केस का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, आपको केस का नाम दे देगा और ये पूछेगा कि इस केस में क्या कहा गया था, या फिर आपको लाइन दे देगा, अंदर का मैटर दे देगा और ये पूछेगा कि ये वाली बात कौन से केस लॉ में कही गई थी। तो अपने केस का नाम आप लोगों को याद रखना है, रॉयल मॉल स्टीम पॉकेट कंपनी। इस केस से क्या इफ़ेक्ट पड़ा, जो इंग्लैंड का कंपनीज एक्ट था और इंडिया का कंपनीज एक्ट था, इंग्लैंड का कंपनीज एक्ट और इंडिया का कंपनीज एक्ट दोनों ही एक्ट में चेंज कर दिया गया। पहले कंपनीज एक्ट में ऑडिटर की ड्यूटी होती थी ट्रू एंड करेक्ट व्यू पर अपनी ओपिनियन देना। पहले ऑडिटर की ड्यूटी होती थी ट्रू एंड करेक्ट व्यू पर अपनी ओपिनियन देना, लेकिन इस केस लॉ के बाद में इंडिया के कंपनीज एक्ट और इंग्लैंड के कंपनीज एक्ट में चेंज कर दिया गया और ऑडिटर की ड्यूटी बना दी गई ट्रू एंड फेयर व्यू पर ओपिनियन देना। तो आप समझ गए होंगे कि इस केस की कंटेंट क्या, इस केस से फ़र्क क्या पड़ा। ऑडिटर की ड्यूटी चेंज कर दी गई, ऑडिटर की पहले ड्यूटी होती थी ट्रू एंड करेक्ट व्यू पर ओपिनियन देना और उसके बाद ऑडिटर की ड्यूटी कर दी गई ट्रू एंड फेयर व्यू पर ओपिनियन देना। इंग्लैंड का कंपनीज एक्ट भी चेंज हो गया और इंडिया का कंपनीज एक्ट भी चेंज हो गया, तो अब ऑडिटर को अपनी ओपिनियन किस पर देनी होती है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर देनी होती है। केस का नाम आप लोग याद रखेंगे। दूसरे हमारे केस का नाम है किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये, जो 5 केस मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में 5 बातें बताई गई थी, जो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं इसके अंदर बस एक ही लाइन याद करके चले जाते हैं, इसमें टोटल 5 बातें बताई गई थी। तो किंगस्टन कॉटन मिल्स के केस में पहली बात क्या बताई गई, ऑडिटर इज ए वॉच डॉग नॉट ए ब्लड हाउंड। ऑडिटर एक वॉच डॉग है, ब्लड हाउंड नहीं है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे डॉग कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कुत्ते कौन से होते हैं, एक तो होते हैं सफ़ेद कलर के कुत्ते, जब भी चोर घर में घुसेगा तो वो केवल मालिक को बता देगा, काटेगा नहीं, केवल मालिक को बता देगा कि चोर घर में आया है आप देख लो। और दूसरे होते हैं ब्लड हाउंड, वो चोरी नहीं करने देगा, काट खाएगा। अब देखो कि ऑडिटर कौन सा कुत्ता है, ऑडिटर किस प्रकार का नेचर होता है ऑडिटर का, वो चोरी करने से रोकता है या मालिकों को बताता है। तो इस केस में ये बताया गया कि ऑडिटर का काम है केवल वॉच डॉग का काम है, कुछ भी गलत हो रहा है तो ऑडिटर हाथ नहीं पकड़ सकता, ऑडिटर रोकेगा नहीं, मैनेजमेंट को ये नहीं कहेगा कि आप ये गलत काम मत करो, ऑडिटर ये कहेगा मैनेजमेंट को कि आप गलत काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप बता दो और आप नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगा। तो अगर मैनेजमेंट ने गलत किया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खुद ही बता दिया तब तो ऑडिटर को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट ने गलत किया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं बताया तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बता देगा, ऑडिटर वॉच डॉग है, ब्लड हाउंड नहीं है, वो मैनेजमेंट को गलत काम करने से नहीं रोकेगा। तो ये पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखो दूसरी बात इस केस में क्या बताई गई, ऑडिटर इज नॉट ए वैल्यूअर। ये बात बताई गई कि ऑडिटर एक वैल्यूअर नहीं है, वो मूल्यांकन करता नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ऑडिटर एक वैल्यूअर नहीं है। ये बात कौन से केस लॉ में बताई गई थी, किंगस्टन कॉटन मिल्स में बताई गई थी। 5 पॉइंट आप लोग याद करके जाएंगे। फिर देखो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या गया, क्या कहा गया कि यदि कंपनी के ऑफिसर्स, जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो ही बहुत डीप फ्रॉड की स्कीम बना रखी है तो ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑडिटर को किसी न किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना हर चीज़ के लिए। तो ऑडिटर बड़े ऑफिसर्स पर विश्वास कर लेता है कि अगर वो कह रहे हैं तो सही हुआ होगा, रिलायंस लिमिटेड की ऑडिट कर रहा है और अंबानी कुछ कह रहा है तो ऑडिटर को विश्वास करना पड़ेगा। तो यदि कंपनी के बड़े ऑफिसर्स ही डीप फ्रॉड स्कीम में इन्वॉल्व है तो ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा इस बात के लिए कि वो फ्रॉड नहीं पकड़ पाया। अगली बात है, चौथा पॉइंट ये कहा गया
कि ऑडिटर रोविंग इंक्वायरी यानी डेप्थ इंक्वायरी करने के लिए बाध्य नहीं है। ऑडिटर को हर चीज़ की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑडिटर यदि हर चीज़ की डिटेल में जाएगा तो 5 साल में भी ऑडिट कंप्लीट नहीं होगी। तो इस केस में ये बताया गया कि ऑडिटर को हर चीज़ की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल में केवल कब जाएगा? जब सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो, ऑडिटर को शक होता है, ऑडिटर को लगता है कि यार फ्रॉड हुआ होगा, तब वो डिटेल में जाएगा। तो ये 5 बातें बताई गई थी, 5ों पॉइंट आप लोग याद करके जाएंगे, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये मानकर चलें इन 5 केस लॉज में से एक केस लॉज तो कन्फर्म आएगा ही आएगा। पहली बात बताई गई कि ऑडिटर वॉचडॉग है, ब्लड हाउंड नहीं है, ऑडिटर एक वैल्यूअर भी नहीं है, ऑफिसर्स पर विश्वास कर सकता है, ऑफिसर ने डीप फ्रॉड की स्कीम बनाई है तो ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा फ्रॉड नहीं पकड़ने पर, ऑडिटर को डिटेल इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल इंक्वायरी केवल तब करनी है जब ऑडिटर को शक होता है, कुछ भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होता है तब। फिर ये तीसरा इंपॉर्टेंट केस है, लंडन एंड जनरल बैंक लिमिटेड। इस केस में क्या कहा गया? इस केस में 2 बातें कही गई। पहली बात तो ऑडिटर शुड नॉट सर्टिफाई व्हाट ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू। ऑडिटर को वो बात सर्टिफाई नहीं करनी चाहिए जो उसे खुद को ही सही नहीं लग रही है। इस बात का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि मैं किसी बुक की रिव्यू कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्केट में ये बुक आ रही है और ये बहुत बढ़िया बात है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि वो बुक मुझे खुद को ही बढ़िया नहीं लग रही है तो मुझे उसके लिए आप लोगों को सर्टिफाई नहीं करना चाहिए, एडवाइस नहीं देना चाहिए। मान लीजिए कि मुझे खुद को तो रेस 3 मूवी अच्छी नहीं लगी और मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि रेस 3 मूवी बहुत बढ़िया, आप लोग देखो, तो जिस चीज़ को मैं खुद ही सही नहीं मानता हूँ उसे लोगों को नहीं कहना चाहिए। तो ये पॉइंट क्या कहता है? यदि ऑडिटर को कोई बात ट्रू नहीं लगती है तो उसे अपनी रिपोर्ट में सर्टिफाई नहीं करना चाहिए कि वो चीज़ सही है। दूसरी चीज, ऑडिटर इज नॉट कंसर्न्ड विद प्रोप्राइटी और एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस कंडक्ट। यहाँ पर प्रोप्राइटी का मतलब है प्रूडेंस यानी विवेक। ऑडिटर को इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है कि बिजनेस एफिशिएंटली चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा, बढ़िया तरीके से चलाया जा रहा है कि नहीं चलाया जा रहा। मान लीजिए कि मैनेजमेंट ने 1 लाख रुपये का फर्नीचर 1 रुपये में बेच दिया, मैनेजमेंट ने क्या किया, 1 लाख रुपए का फर्नीचर 1 रुपए में बेच दिया, ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे हो सर ये तो आप गलत बता रहे हो, ऑडिटर तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताएगा तो आप गलत सोच रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, आपके टीचर ने आपको गलत बताया। यदि मैनेजमेंट ने 1 लाख रुपए का फर्नीचर 1 रुपए में बेच दिया तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में बताने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते मैनेजमेंट ने उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही किया हो। यदि मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही किया है, बैंक अकाउंट डेबिट 1 रुपीज, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 99,999 टू फर्नीचर 1 लाख, और उसके बाद P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 99,999, अगर मैनेजमेंट इतना कर देता है तो ऑडिटर को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैनेजमेंट नहीं बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही, तो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताएगा। कहने का मतलब ऑडिटर को इस बात से कुछ मतलब नहीं है कि बिजनेस एफिशिएंटली चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा, उसको कुछ मतलब नहीं है, चाहे सही तरीके से चलाओ चाहे गलत तरीके से, बस जो आप कर रहे हो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताओ, सही बताओ, गलत मत बताओ। फिर देखो अगला हमारा केस लो है सिटी इक्विटेबल फायर इंश्योरेंस कंपनी। इस केस में क्या कहा गया? इस केस में कहा गया कि देखो जो कंपनी के इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग देखो 3 सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन तो ये कि वो इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास ही है, अगर कंपनी के पास ही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी चीज़ है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने बैंक के पास रखवा रखे हैं, बैंकर के पास रखवा रखे हैं, मतलब अपने बैंक के पास रखवा रखे हैं। तो ये केस लोग कहते हैं कि यदि कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट बैंक के पास रखवा रखे हैं तो ऑडिटर बैंक से सर्टिफिकेट ले सकता है और उस सर्टिफिकेट पर विश्वास कर सकता है, खुद फिजिकल वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है ऑडिटर को, करना चाहे तो कर सकता है लेकिन ज़रूरत नहीं है, बैंक के सर्टिफिकेट पर भी विश्वास कर सकता है। और यदि इन्वेस्टमेंट किसी अदर पर्सन के पास ही रखे हुए हैं, कंपनी के पास भी नहीं रखे हुए, बैंक के पास भी नहीं रखे हुए, किसी अदर पर्सन के पास रखे हुए हैं, कंपनी के डायरेक्टर के पास रखे हुए हैं, तो ऑडिटर को फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए। एक बार लास्ट बार फिर से बता रहा हूँ क्या कहता है ये वाला पॉइंट, सिटी इक्विटेबल फायर इंश्योरेंस कंपनी में क्या डिसीजन दिया गया कि यदि इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक के पास है तो ऑडिटर बैंक के सर्टिफिकेट पर विश्वास कर सकता है, और अदर पर्सन के पास है तो ऑडिटर को फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए। लास्ट हमारा
फिफ्थ केस है न्यूटन वर्सेस बिर्मिंगम स्मॉल आर्म कंपनी। इस केस में क्या डिसीजन दिया गया, इस केस में डिसीजन ये दिया गया कि जो डायरेक्टर्स है, शेयर होल्डर्स है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उससे ऑडिटर की पावर को कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो भी ऑडिटर की पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है, या तो एक्ट के द्वारा निर्धारित होती है या फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के द्वारा निर्धारित होती है। तो जो ऑडिटर की पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एक्ट और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से डिसाइड होती है, उसे डायरेक्टर, शेयर होल्डर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से कम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये 5 केस लॉज बताएं, इनको आप अच्छे से देख कर जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। और यदि आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगता है, आप लोगों को लगता है कि आपको इस वीडियो से बेनिफिट हुआ है, तो आप इसको लाइक करके जाएंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपके इसी एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि मेरे को आगे के वीडियो लेक्चर बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। मैटर मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया है, खुद इसको टाइप किया है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। अगर आपको लगता है कि इससे आपको बेनिफिट हुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, इसी पर डिपेंड करेगा आगे के वीडियो लेक्चर बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।